एक महीने के लिए अगर ग्लास के अंदर एक साइड माँ के दूध और एक साइड गाय के दूध को रख देंगे तो दोस्तों कौन से दूध में एक महीने बाद ज्यादा बैक्टीरिया लगेंगे और क्या कंडीशन होगी एक महीने बाद दूध की, देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं दोनों दूध धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहे हैं, लेकिन पूरे 22 दिन बाद माँ के दूध में ज्यादा बैक्टीरिया लगने के कारण ये काला हो गया है। दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ कि गाय की तुलना में माँ का दूध ज्यादा मीठा होता है। दोस्तों अपने माँ के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें।